हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कोलर सिस्टम के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। वाइट से हम लोग कोलर सिस्टम अभी लर्न कर रहे हैं। वन बाय वन सारे वेरिएशन में आपको बताऊंगा और डीप में आपको उसमें समझ भी आ जाएगी। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। कोलर सिस्टम का पहले हम देख रहे हैं क्लासिकल वेरिएशन, मतलब मेन लाइन। मेन लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है आज के इस टॉपिक में हम पहले देखेंगे। ब्लैक अगर ट्राई करता है क्वीन सी सेवन एंड सी क्रॉस डी फोर पॉन एक्सचेंज करके खेलने का ट्राई, और नाइट बी फोर प्लानिंग विथ कैप्चर ऑन डी थ्री बिशप, तो क्या करना है। मान लो कि यहाँ पे डी फोर एन एफ सिक्स मूव ऑर्डर चेंज होते हैं दोस्तों। कई बार मैं पहले डी फाइव बताता हूँ, ई सिक्स भी कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के मूव्स कर रहा हूँ। डी फोर एन एफ सिक्स देन नाइट एफ थ्री, हमारे पहले दो मूव सेम रहेंगे। ब्लैक चाहे कुछ भी मूव चेंज करे, ई सिक्स कर दिया मान लो कि डी फाइव के बदले, यहाँ हम खेलेंगे ई थ्री, उसके बाद ब्लैक डी फाइव कर रहा है, तो मूव ऑर्डर चेंज होकर क्लासिकल वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये मूव आने के बाद परफेक्टली आपकी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे बिशप डी थ्री हम खेलेंगे, ब्लैक रिप्लाई देगा सी फाइव। अब जब भी ध्यान रखो कि ब्लैक सी फाइव खेलता है और डी फाइव पे अगर पॉन है तो उसका नेक्स्ट मूव सी फोर होने वाला है। इसे सबसे पहले स्टॉप कीजिए, चाहे वो चेक देने वाला हो या नाइट सी सिक्स खेलने वाला हो या पॉन एक्सचेंज करना वाला हो, आपको यहाँ पे बी थ्री जरूर खेलना है। बी थ्री के बाद नाइट सी सिक्स, यहाँ पे आपको अर्ली कैसल कर लेना है। ब्लैक खेलेगा बिशप डी सिक्स, यहाँ पे आपको खेलना है बीबी टू। अब यहाँ पे दो लाइन है, एक तो क्वीन सी सेवन अर्ली या फिर पहले कैसल। पहले कैसल में क्या करना है और क्वीन सी सेवन में क्या करना है, दोनों हम देखेंगे। पहले ब्लैक कैसल करता है, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट ई फाइव। देखो नाइट ई फाइव जरूरी है, बहुत सारे लोग डेवलप करने की जल्दी में नाइट बी डी टू खेलते हैं, लेकिन ये गलत मूव है। सबसे पहले नाइट ई फाइव सेंट्रलाइज कर दीजिए आप। नाइट ई फाइव सेंट्रलाइज करने के बाद ब्लैक खेलेगा क्वीन सी सेवन। अब देखो यहाँ पे नाइट पे जब ब्लैक फोर्स करता है वन टू थ्री अटैक, यहाँ पे जरूर आपको एफ फोर करना है, ये याद रखिए। बहुत ही इजी लाइन है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर हो जाने के बाद अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ब्लैक पॉन एक्सचेंज करने के बाद सी इंटू डी फोर देन नाइट बी फोर अटैक दिस बिशप। यहाँ पे पॉन टेक्स और नाइट बी फोर, यहाँ पे आपको करना है नाइट सी थ्री, बिशप को रिटर्न नहीं लेना है, नाइट सी थ्री। अब ब्लैक नाइट बी फोर करने वाला प्लेयर ऑलवेज नाइट इंटू डी थ्री करेगा, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग बिशप है, लेकिन उसकी जगह हमारी क्वीन ले लेगी। और यहाँ पे ब्लैक का प्लान शुरू होता है बिशप डी सेवन और रुक सी एट, और इस नाइट पे प्रेशर बनाने का और सी टू पे प्रेशर बनाने का आइडिया। यहाँ तुरंत आपको अटैक करना है, जैसे कि रुक एफ थ्री फर्स्ट। ब्लैक खेलेगा आर सी एट, आपके नाइट पे प्रेशर यहाँ पे रुक एच थ्री, और ब्लैक खेलेगा बिशप बी फोर। अब ये सबसे रॉन्ग मूव होगी, क्योंकि तुरंत यहाँ वाइट टू प्ले एंड विन। अब आपको वीडियो पॉज करके बेस्ट मूव ढूंढना है, मैं बताऊंगा आपको। नाइट जी फोर सैक्रिफाइस, अगर नाइट टेक्स नाइट किया तो सिंपल क्वीन एच सेवन मेट है। यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होगा, जैसे कि अगर उसने जी सिक्स किया तो नाइट इंटू एफ सिक्स देन रुक एच सेवन, तो ये जी सिक्स पॉसिबल नहीं है, नाइट इंटू नाइट पॉसिबल नहीं है। बिशप टेक्स नाइट में डायरेक्ट नाइट एफ सिक्स देन क्वीन एच सेवन, चेकमेट की थ्रेट है। तो फोर्स रिप्लाई क्या होगा दोस्तों, नाइट ई फोर। यहाँ पे आपको करना है नाइट टेक्स ई फोर, आफ्टर डी टेक्स ई फोर देन सैक्रिफाइस अगेन नाइट एफ सिक्स। ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, जी टेक्स एफ सिक्स देन क्वीन जी थ्री चेक, आफ्टर किंग एच सेवन देन क्वीन एच फोर, अनस्टॉपेबल चेकमेट आ जाएगी। तो यहाँ पे मूव ऑर्डर कुछ चेंज हो जाएंगे जब आप गेम खेलते हो। तो मैंने ये सिर्फ आपको आइडिया बताया यहाँ पे कैसे करना है। अगर आप अटैक में लेट पड़ गए तो ब्लैक को उसका चांस मिल जाएगा, जैसे कि बीबी फोर में अगर आप डिफेंड करने जाओगे तो फिर ब्लैक उसका चांस ले लेगा। चलिए दूसरा वेरिएशन भी बताऊंगा आपको दोस्तों। ये दूसरा जो वेरिएशन है ये क्लासिकल, अभी मैंने बताया उसी लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट। मान लो कि ब्लैक क्वीन साइड क्वीन सी सेवन डेवलप तो करता है, लेकिन पॉन एक्सचेंज किए बिना अगर ब्लैक खेलता है, देखो हर एक मूव जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं आपको जितने भी बताता हूँ बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लासिकल वेरिएशन के इतना स्ट्रक्चर के बाद बिशप डी थ्री सी फाइव बी थ्री एन सी सिक्स कैसल, ये सारे नेचुरल मूव सबको याद रह जाएंगे। उसके बाद बिशप डी सिक्स बी बी टू,
ब्लैक कैसल करता है यहाँ पे नाइट ई फाइव और क्वीन सी सी वन, और यहाँ पे हम खेल रहे हैं एफ फोर। इतने मूव्स तो अब सब आपको एकदम मुंह जुबानी याद रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि अगर ब्लैक पॉन एक्सचेंज करता है उसके बाद नाइट बी फोर खेलता है। अब इस वेरिएशन में ब्लैक बिना पॉन एक्सचेंज किए नाइट बी फोर खेलता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है? यहां भी सेम रिप्लाई रहेगा नाइट सी थ्री। आइडिया है नाइट बी फाइव का। अब देखो ज्यादातर प्लेयर नाइट बी फाइव को स्टॉप करते हैं, क्योंकि नाइट बी फाइव अगर स्टॉप नहीं होगा तो नाइट बी फाइव के बाद क्वीन डिस्टर्ब होगा और नाइट इंटू डी सिक्स बहुत ही डेंजर मूव आता है व्हाइट की ओर से, क्योंकि डार्क स्क्वायर जो बिशप अगर ब्लैक का यहाँ से हट गया तो पूरा डायगोनल जबरदस्त अटैक में रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स मूव ए सिक्स है। अगर ब्लैक ने ए सिक्स किया तो यहाँ पे आपको पॉन एक्सचेंज करना है, ओपन डायगोनल करना है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बिशप टेक सी फाइव और क्वीन टेक सी फाइव। पहले हम देखेंगे क्वीन टेक सी फाइव, ये बहुत ही गलत मूव है। क्वीन इन टू सी फाइव में यहाँ आपको करना है क्वीन एफ थ्री। क्यों गलत है? देखो ई थ्री पे प्रेशर जो था उसे सपोर्ट मिल गया। अगर ब्लैक यहाँ रिप्लाई देता है फॉर सजेशन ऑफ रेबका, रेबका इंजिन के बारे में सबने सुना होगा, तो रेबका यहाँ पे ब्लैक की ओर से बेस्ट चॉइस नाइट डी सेवन बता है। लेकिन यहाँ भी वाइट विनिंग है, दोनों की ओर से रेबका बताता है कि यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट ए फोर। अब क्वीन पे अटैक, क्वीन सी सेवन, उसके बाद बिशप सेक्रीफाइस। ये सारे मूव हिडन मूव है, कब क्या सेक्रीफाइस देना है। बिशप सेक्रीफाइस आफ्टर किंग टेक्स बिशप, क्वीन एच फाइव चेक, किंग जी एट, देन नाइट सेक्रीफाइस, एंड आफ्टर क्वीन टेक्स नाइट या बिशप टेक्स नाइट, कुछ भी करे, अगेन वन मोर सेक्रीफाइस बिशप इंटू जी सेवन। यहाँ पे किंग टेक्स जी सेवन, क्वीन जी फाइव चेक एंड रुक एफ थ्री, अनस्टॉपेबल चेक मेट आती है। तो बहुत ही ब्रिलियंट अटैकिंग मूव हो जाएगी। इतने मूव ध्यान रखिए कि ब्लैक कहाँ गलती करता है। कॉलेज सिस्टम खेलने में तभी मजा आएगा जब ब्लैक की सारी मिस्टेक आप नोट डाउन करोगे। यहाँ पे ब्लैक अगर क्वीन इंटू सी फाइव करता है तो मिस्टेक होगी, बिशप इंटू सी फाइव में भी आप अटैक में ही रहोगे। बिशप टेक सी फाइव में आप क्या करोगे? ई थ्री पे प्रेशर तो बना ही है, यहाँ पे आपके करना है रूक एफ थ्री, रूक से पॉन को सपोर्ट करना है। नाइट टेक्स डी थ्री, देन पॉन टेक्स करना है यहाँ पे सी इंटू डी थ्री। अब ये पोजिशन कंप्लीटली व्हाइट के फेवर में है। क्यों व्हाइट के फेवर में है? यहाँ तक आपको मैंने ओपनिंग सिखा दी, अब आगे आपका दिमाग खुद लड़ाना है। क्योंकि स्ट्रांग गेम किस लिए है कि सेंटर व्हाइट का, देखिए आप डी थ्री ई थ्री एफ फोर और ये सी फाइल कंप्लीटली आपके हाथ में है। जब आप रुक सी वन करोगे तो उसका रिप्लाई ब्लैक को बहुत ही डेंजर देना पड़ेगा, और बाद में आपका जो बिशप डायगोनल है एफ सिक्स पे हिडन अटैक कर रहा है। पूरा डार्क स्क्वायर डायगोनल आपके कंट्रोल में है, पूरा ओपन हो चुका है। कैसे खेलना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे तो आपको खुद को आइडिया लगाना है, खुद का दिमाग चलाना है, टैक्टिकल खुद बनना है, कब कौन सा सेक्रीफाइस देना है। आइडिया मैं बता दूंगा, यहाँ पे आपका रूक टू एच थ्री होगा, फिर क्वीन एच फाइव आफ्टर बिशप टेक्स नाइट। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको खेलने में। ओके दोस्तों, अब थोड़ा कुछ और देखते हैं इसमें क्लासिकली वेरिएशन, थोड़ा सा चेंजिंग। अगर ब्लैक अर्ली अटैक करता है, अर्ली नाइट बी फोर, नॉट क्वीन सी सेवन। देखो हर एक मूव में क्वीन सी सेवन के बाद नाइट बी फोर और डायरेक्ट नाइट बी फोर में क्या इफेक्ट होता है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे पोजिशन तो ये सेम रहेगी। यहाँ पे हमने क्वीन सी सेवन के रिप्लाई में क्या बताया था आपको, एफ फोर, और उसके बाद हमने देखा था ब्लैक नाइट बी फोर करता है और दोनों तरीके से हमने अटैक देख लिए। तो क्वीन सी सेवन किए बिना ब्लैक नाइट बी फोर करता है अटैक, तो प्लान बेस्ड अटैक यहाँ पे आपको करना है। पॉन टेक्स पॉन, ध्यान रखिए यहाँ पे पॉन एक्सचेंज करना है। अगर क्वीन सी सेवन नहीं है तो पॉन एक्सचेंज करने का फायदा क्या है, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पॉन एक्सचेंज? यहाँ पे ये है कि ब्लैक का बिशप एक तो उसका टेम्पो खो रहा है, मतलब बिशप जो एफ8 पे था पहले डी6 पे आया,
अब वो पॉन मारने के लिए c5 पे आएगा, उसके बाद हम बिशप वापस लेंगे, हम ये बिशप को नहीं देंगे, उसके सारे मूव्स वेस्ट करेंगे। यहाँ पे बिशप d6 वापस जाएगा, तब हम यहाँ पे f4 करेंगे आफ्टर क्वीन c7, यहाँ पे आपको करना है c4। अब ब्लैक का बेस्ट चॉइस होता है नाइट e4। अगर ब्लैक ने यहाँ पे वापस bc4 किया तो सिंपल देखो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप बिशप d4 करके गेम को सेंट्रलाइज कर सकते हो और पूरी गेम आपके कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन bc5 के बदले ब्लैक यहाँ पे नाइट e4 करता है लाइक, तो नाइट e4 में आपको करना है a3, नाइट c6, देन नाइट एक्सचेंज कर लो b into c6, उसके बाद नाइट d2। अब आइडिया क्या होगा, नाइट टेक्स नाइट फोर सेट क्वीन इंटू नाइट और a5 के सामने आपको b4 करना है, तो ये सेंट्रलाइज अटैक हो जाएगा व्हाइट की ओर से। और रुक c1 और यहाँ पे रुक d1, बहुत सारे ऑप्शंस है, व्हाइट कैन प्ले इजीली गेम दिस। अगर ये पॉन एक्सचेंज भी नहीं होता है तो अगर उसने मार लिया तो ये c6 वाला आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा, और नहीं मारा तो नेक्स्ट हेड हमारी c5 होगी। अब देखते हैं प्लान बेस अटैक। ओके दोस्तों, प्लान बेस नाइट e4 खेलने का मतलब क्या है। शुरुआत में d4 जो आपको मैं बता रहा हूं, देखो एकदम इजी है सब, कोई भी मूव जरा जरा चेंजिंग का रिप्लाई भी आपका पास जरा जरा ही है। f4 इतना स्ट्रक्चर आपको सबको पता है। यहां पे नाइट पॉन टेक्स पॉन के बाद अर्ली नाइट ई फोर जब ब्लैक करता है, हालांकि यहाँ पे बिशप b7 पे होना चाहिए डायगोनल में, जो डी पॉन को e4 से प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन बिशप डेवलप नहीं है लाइट स्क्वायर, तो यहाँ आपको करना है सिंपल बिशप टेक्स e4, आफ्टर पॉन टेक्स देन नाइट c3। अब प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा e4 पे, ब्लैक के पास रिप्लाई होगा f6 या तो फिर f5। तो f5 में आपको करना है जो प्लानिंग बेस्ड अटैक, वहां पे नाइट b4 खेल सकते हो बेस्ट चॉइस, और फोर्क करके स्ट्रॉन्ग बिशप लेके a4 करने के बाद बिशप a3 का आइडिया कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लानिंग होगा आपके पास, लेकिन पोजिशनली व्हाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए और भी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और सभी वेरिएशन वन बाय वन सीखेंगे। अब दोस्तों जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।